हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि के लिए बिना मावा बिना चीनी डाले केवल 2 चम्मच घी से बर्फ़ी बनाएंगे। इसे आपने एक बार बनाकर रख लिया तो लंबे समय तक आराम से खा सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू। दोनों को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। दो से तीन मिनट भूनने के बाद काजू और बादाम को हम निकाल लेंगे और सेम पैन में अब हम डालेंगे 1/2 कप मखाने। मखाने को भी हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे। दो मिनट मखाने को हमने भून लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मगज के बीज डालेंगे और 1 मिनट इसे और भून लेंगे। और सेम पैन में अब हम डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम 2 से 3 मिनट इसे भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। कोकोनट का कलर हमें चेंज नहीं करना है और लगातार इसे भी हमें चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट कोकोनट को भी हमने भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अलग रखेंगे। और अब हम मिक्सी के छोटे जार में काजू और बादाम डालेंगे और इसे दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। इस प्रकार से काजू और बादाम को हमने पीस लिया है। इसे अब हम कोकोनट में मिक्स करेंगे और सेम जार में अब हम मखाने और मगज के बीज को डालकर भी पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी अब हम कोकोनट में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे अलग रखेंगे। और अब हम गैस ऑन करके पैन में 1 चम्मच घी और डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक किया हुआ गुड़। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 1/4 कप पानी डालेंगे और अब हम गुड़ को मेल्ट होने तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, केवल गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ के अच्छे से मेल्ट होने के बाद अब हम 1 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत हम इसे सेट करने के लिए डालेंगे। बर्फी को आप किसी में भी सेट कर सकते हैं। अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और इसे भी सेट कर लेंगे। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद बर्फ़ी को हम निकालेंगे और अब हम इसे कट करेंगे। इस बर्फ़ी को सेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो बर्फ़ी को आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब हम बर्फ़ी को निकालेंगे। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली इस बर्फ़ी को आप व्रत में या ऐसे ही बनाकर 15 से 20 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस बर्फ़ी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।